हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं, और जिसमें हम इस नतीजे पे पूछे कि ट्रायल बैलेंस में क्या है, समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स, जिससे हमें क्या पता चलता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। और दूसरा चीज़ जो मैंने बोला था, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ट्रायल बैलेंस का, इससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। कल जो हमने बोला था कि ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, आज हम उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैंने पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो है, एक बिजनेस को पता चले एट द एंड ऑफ द पीरियड कि वो फ़ायदे में है कि या नुकसान में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब तुम बिजनेस करोगे, यू लाइक टू नो वेदर यू आर इन प्रॉफिट और इन लॉस, तो अपने इंडिविजुअल लेवल पर। दूसरा, जिस कंट्री में तुम रहते हो उस कंट्री के अपने लॉज हो सकते हैं, इनकम टैक्स लॉ है, तुम्हें अपना इनकम टैक्स देना है तो तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारा कितना इनकम है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। तुम अगर कंपनी हो तो तुम्हें कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तुम्हें बैंक में लोन लेना है तो वो बोलेंगे तुम्हें बैलेंस शीट बना के दे दो, प्रॉफिट लॉस बना के दे दो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दो। तो ये सारे रीजन जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। और अकाउंटिंग में भी हम लास्ट में यही दो चीज़ें बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि हमें पता चल जाए हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या हमारी फाइनेंशियल पोजिशन कितनी है, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमें किससे कितना पैसा है, कितना लाइबिलिटी लेनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए एक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, उसके बाद क्लासिफाई करते हैं लेजर में, उसके बाद समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। जब ट्रायल बैलेंस के पास सारे अकाउंट्स आ गए, उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसके बेस पर कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो आज हम उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपके जहन में जो सवाल उठ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये पहली बात आपको याद रखनी है, अकाउंटिंग तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग हर दिन हो जाएगी, हर दिन जर्नल एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड नॉर्मली बनाए, बट कभी भी बना सकते हो, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली क्या बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं, ठीक है। तो हमने बोला था एक पीरियडिसिटी कटअप, तो ये इसी लेक्चर को साथ साथ आप क्या करोगे, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, या अगर आपको पूरा याद नहीं है आपने क्या क्या पढ़ा था, मेरे इसी तुम्हारे प्लेलिस्ट में या 11th वाले प्लेलिस्ट में अकाउंटिंग कंसेप्ट नाम से जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट वाला जो लेक्चर है, वो प्लीज़ देख लो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने बोला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फिर बोला है पीरियडिसिटी कंसेप्ट। तो ये जो प्रॉफिट हमें निकालना है, तो ये क्यों, तो बिजनेस को कंटिन्यू चलेगा तो प्रॉफिट कब निकालेंगे, तो हम इस पूरी लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में एज पर पीरियड डिवाइड करते हैं, तो उसको पीरियडिसिटी कंसेप्ट करते हैं। तो एक नॉर्मली हम अपने इंडिया में फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 1 अप्रैल से 10 मार्च, तो फिर उसका हिसाब देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं जो एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड जो हमने डिसाइड किया है, सपोज हमने पीरियड बोला है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ये हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड हो गया। तो इस पीरियड का हम देखेंगे हमारा फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, और 31/3/2020 को हम देखेंगे हमारे पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। तो यही कौन हमें स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हमें बता देंगे कब बनाए जाते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड। और ये क्या हमें दिखाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये दो चीज़ें दिखाते हैं। एक हमें ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते हैं कि इसकी, जैसे हमारा स्कूल में क्या आता है, साल के बाद क्या आता है, हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है, वो क्या बोलता है, इस बच्चे की इस बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, एक उसमें वो रहता है, और उसमें दूसरा क्या रहता था वो लास्ट में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता, उसमें उसके बारे में था, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी खसूसियत क्या है, वो सारी चीज़ें बारे में लास्ट में लिखा जाता है कि इसके बारे में क्या होता है। इसी तरीके से हम अकाउंटिंग में भी क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड दो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट जो हमें दिखाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हाउ वेल हैज द बिजनेस परफॉर्मड और हाउ बैड इट हैज परफॉर्मड, वो स्टेटमेंट कौन होगा, उसको कहलाएंगे, इनको बोलते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो हमें इनकम दिखा दे, इनकम बोले तो इनकम में लॉस भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो स्टेटमेंट जो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा दे। और दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे वो हमें दिखाएगा फाइनेंशियल पोजिशन, वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई देगा कि हमारी हालत कैसी है, माली हालत हमारी कैसी है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन यहां पे मतलब कौन सी है, फाइनेंशियल पोजीशन।
तो दो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, एक स्टेटमेंट हमें क्या दिखाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट हमें पोजिशन दिखाता है, फाइनेंशियल पोजिशन दिखाता है उसको पोजिशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब टू अराइव एट द इनकम कि एक बिजनेस ने उस साल में फायदा कमाया है या उसको नुकसान हुआ है, हमने पढ़ा था कि ट्रेडिशनली भी आप निकाल सकते हो। हम क्या करते हैं, कितने का सेल कर दिया, वो जो मैंने माल की एग्जांपल दी थी वो माल खरीदा था तो इनिशियल लेक्चर्स में सेल कर दिया, उसमें लेस करता है जितने भी एक्सपेंस हो गए तो आपको प्रॉफिट निकलेगा। यही था, हाँ सर यही तो था, बहुत सिंपल तो था। हम बोलते थे सेल कितनी की, उसमें से सारे खर्चे लेस कर दिए तो हमें निकलता था प्रॉफिट। तो उस चीज को हम अकाउंटिंग में कैसे करते हैं, पहले हमने वो सारा चीज कर दिया तो एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें वो जो उसको कॉपी पे पता चलता था कि मैंने दवाई इतने की छिड़की, पेटियों के लिए इतना खर्चा हो गया, माल मैंने इतने का लिया, वो इतने का लिया, बाकी सब चीज ऐसे कर दिया, वो उसको एक पेज में लिखता था। हम उसको क्या करते थे यहाँ पे अकाउंटिंग में डबल एंट्री के थ्रू करते हैं, एक जनरल एंट्री करते हैं उसको आप अपने खाते में देते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें वही चीज आता है। ट्रायल बैलेंस अगर आप देखोगे जो उसके वो हर पेज से समरी आती थी उस ट्रेडिशनल वे में अपना व्यापारी को, उसी तरह से यहाँ पे भी आता है एक पेज में कैश कितना है, दवाई कितने की छिड़की, कैपिटल कितनी लगाई थी, कितना पैसा लगाया था, सेल कितनी होगी, परचेज कितनी होगी, एक्सपेंसेस कितने हो गए, वो सारा उसको भी आता था इसको भी आ जाएगा। तो उसके बेस पे हम बनाते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उस चीज को हम जो करते हैं समराइज तो आ गया ये ट्रायल बैलेंस में, अब इसको फर्दर समराइज करते हैं ब्यूटीफुल वे में। ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हमें देखनी पड़ेगी हमारा फायदा हुआ है नुकसान हुआ, तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं दो स्टेटमेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपके सिलेबस में अलग से है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो वो अलग से हमारे मतलब इसके बाद जो लेक्चर आ जाएंगे उसमें एक में हम ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस करेंगे, दूसरे में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरे में बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे, वो अलग से भी है। बट अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इनका जिक्र हो रहा है और डिटेल जिक्र इनका नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हमें पता करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड का मतलब क्या होता है तिजारत करना, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड का मतलब क्या होता है बाय एंड सेल। तो एक अकाउंट बनाते हैं हम जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं, तुम याद करो तुम्हारा वो क्वेश्चन आता था, ये तो मतलब मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन आता था, जीपी किसके बराबर होता है, जीपी किसके बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल जीपी। ये तुम्हें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, इसको याद भी कर लेना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू जीपी। मैं अगर रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करता हूं तो मुझे अपना जीपी निकालना है, क्या एक प्रोडक्ट का जीपी निकाल सकता हूं, हाँ सर बहुत आसान है। सपोज ये पैंट है, ठीक है, तो ये मैंने 700 में खरीदी थी, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, और मैंने इसको बेचा 1000 में, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 300 का हो गया। ठीक है, तो बाइंग सेलिंग में मेरा जो डिफरेंस है दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट ये तो एक पैंट का मैंने निकाला, अब अगर पूरे साल का निकालना पड़ेगा कि बाइंग सेलिंग में कैसा कितना हो गया, तो हम क्या करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें उसका फॉर्मेट क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, बट उसमें क्रक्स ये निकलेगा हम क्या करते हैं सेल्स, जितनी भी सेल्स होगी तो ट्रायल बैलेंस से जो सेल्स होगी वो कहां पे जाएगी, वो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो समराइज करके फिर हम सिस्टमैटिकली समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ समराइज करते हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं हम क्या करते हैं सिस्टमैटिकली समराइज करते हैं। ट्रायल बैलेंस में कोई भी सीक्वेंस होता है, कैश होता है, परचेज होता है, अभी डेटर आ गया, ये आ गया, डेबिट इस तरह, क्रेडिट इस तरह, दैट इज जस्ट समराइज है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सिस्टमैटिकली समराइज करेंगे, यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ता है कौन सी चीज ट्रायल बैलेंस की कहाँ जाएगी, अगर वो ट्रेडिंग के कंटेक्स में है तो वो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्या क्या जाएगा सर, सेल जाएगी और द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो गुड्स तुमने भेजे, जैसे मैंने एक पैंट भेजी थी 700 की, तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स सोल्ड। इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती है, उनके लिए जो फ्रेट लग गया है उनको लाने में वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, जितने भी कॉस्ट आई थी उन गुड्स को डायरेक्टली सेल करने में वो उसमें से लेस करेंगे तो तुम्हें निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे वो फॉर्मेट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट अभी इतना याद रखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालनी होती है उसमें सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जहां से हमें क्या निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, दिस द फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, बट इसको हम अकाउंटिंग में कैसे करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने कमाया, मतलब इस बिजनेस ने सेल परचेज से कितना कमाया। अगर मैं उस व्यापारी की एग्जाम्पल लूंगा, सेल उसने 15 लाख की थी, सेल उसने 15 लाख की और उसने जो परचेज कर दी थी वो 5 लाख की थी, सपोज बाकी सबको छोड़ देता हूं, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट उसका 10 लाख है, बाइंग सेलिंग में उसका कितना प्रॉफिट है, 10 लाख। उसमें से लेस करेंगे जो बाकी खर्चे हो गए, वो हमें पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट मुझे बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है हमें नेट प्रॉफिट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। जैसे उस व्यापारी को, उस बिजनेसमैन को जो एप्पल्स का ट्रेडर था, उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10 लाख, ठीक है, बाइंग सेलिंग से उसने ग्रॉस लाख 10 लाख। इसके बाद वो जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हो गए वो लेस करेगा सपोज, ठीक है, पेस्टिसाइड्स लेस करेगा, मैं सारा इसको इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, वो इनडायरेक्ट है कि नहीं वो अलग बात है, उसमें से वो एक्सपेंसेस जो बाकी बचे हुए हैं जो डायरेक्टली उससे इन्वॉल्व नहीं थे वो लेस करेगा, जो उसको किराया लग गया उसको दिल्ली भेजने के लिए, जो लेबर लग गई, वो सारे क्या करेगा, लेस करेगा, वो 7 लाख उसका खर्चा हो गया, तो उसका नेट प्रॉफिट आ गया 3 लाख। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी लेते हैं, जीपी में से सारे इनडायरेक्ट खर्चे लेस करते हैं, वो हमारा बच गया 3 लाख। तो जब मैं प्रॉफिट लॉस बताऊंगा वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, वो अभी डिस्कस करने की जरूरत है, अभी तुम सिर्फ ओवरव्यू ले लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आ गया नेट प्रॉफिट, तो परफॉर्मेंस मेरी आ गई, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे जाननी थी तो वो हमें पता चल जाता है। कब, ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे जीपी आएगा, प्रॉफिट लॉस से मुझे नेट प्रॉफिट आएगा। तो एक चीज तो मेरी कवर होगी, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वो मुझे पता चल गई एक स्टेटमेंट से। दो स्टेटमेंट मैंने इनफैक्ट बना दी, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो अभी जब हम बनाते हैं, हम दिखाते हैं उसको एक ही, ऊपर पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जब मैं करूंगा वो लेक्चर तब मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी तक इतना याद रखो। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें दिखाता है कि हमारी पोजीशन क्या है उस बिजनेस की, आज की डेट में पोजीशन क्या है। और यहाँ पे याद रखना, ये जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इट इज फॉर द पीरियड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज फॉर द पीरियड, इस साल में 31 अप्रैल 2019 से 31/3/2020 तक, ये एक पीरियड है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक पीरियड की होती है, रिपोर्ट कार्ड एक पीरियड का होता है, बट फाइनेंशियल पोजीशन एक दिन का होता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एज ऑन डेट जिसको हम बोलते हैं। 31/3/2020 को क्या बैलेंस शीट है, 31/3/2019 को क्या बैलेंस शीट, तो ये एक दिन की होगी। उस दिन हम बोलेंगे हमारे पास एसेट्स कितने हैं, कैश कितना है, डेटर कितना है, फर्नीचर कितना है, बैंक में कितना पैसा है, वो सारा स्टॉक कितना है, वो आएगा एसेट साइड में, लाइबिलिटीज कितनी है, क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, बैंक का लोन कितना है, ठीक है, वो आएगा लाइबिलिटीज, और आएगी कैपिटल, कैपिटल आएगी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, प्लस इस साल का प्रॉफिट कितना किया है, लेस ड्रॉइंग अगर उसने कुछ पैसा निकाला है, तो मालिक का पैसा कितना है, तो वो हमें कौन दिखाएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दिखाती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हाउ मेनी आर द एसेट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल, कैपिटल क्या होगी, एक तो ओपनिंग कैपिटल जो इसने लगाई थी वो 5 लाख रुपए, प्लस इस साल का जो प्रॉफिट 3 लाख, ये भी हम ओनर की कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, 5 लाख और 3 लाख 8 लाख। अभी इस साल में इसने 2 लाख घर के लिए निकाल दिया था, ड्रॉइंग जिनको बोलते हैं, ड्रॉइंग जो होती है वो कैपिटल में से फिर लेस करेंगे, तो 2 लाख लेस कर दिया, तो इसकी कैपिटल 6 लाख, लाइबिलिटीज 2 लाख, 8 लाख, एसेट 8 लाख, इस तरीके से बनते आते हैं, हमें ये बैलेंस होता है, ये 8 लाख और ये 8 लाख, ठीक है। तो ये हमें बोलता है बैलेंस शीट, ठीक है। ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाते हैं दो, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में ये चीजें हैं अलग से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो हमारे 3 लेक्चर इसी में लगेंगे, एक लेक्चर में हम ट्रेडिंग अकाउंट सीखेंगे, एक लेक्चर में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट सीखेंगे, एक लेक्चर में हम बैलेंस शीट सीखेंगे। बट उससे पहले कि हम इन पे आ जाए, कुछ चीजें हैं जो हमें ख्याल रखनी पड़ेगी तीनों के लिए, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो हमें ख्याल में रखनी पड़ेगी, उन चीजों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। और एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा, ये जो मेरी लेक्चर है अकाउंटिंग कंसेप्ट वाला जो लेक्चर है, इसको प्लीज जरूर से देख लो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से समझने हैं, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ चीजें बोल दी है। स्पेशली मैं जिस चीज के लिए बारे में बोल रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा वो बोलेगा सर हमें क्यों देखना है, वो बहुत सिंपल है, तो तुम लोग मत देखो उसको, अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट जानना है,
थोड़ा सा मैं अभी डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर भी, बट आप उस लेक्चर को जरूर देखो क्योंकि वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो समझा दिया है फॉर बिगिनर्स कि कैसे हम किसी चीज को कैपिटलाइज करते हैं, उसको हम नॉन करंट एसेट मानते हैं, फिर करंट एसेट मानते हैं, कैसे वो खर्चा मानते हैं, क्या चीज होता है, वो मैंने वहां पर समझा दिया है। ठीक है, तो स्टिल कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके नोट्स में कवर कर दी है, उनको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम है फाइनल अकाउंट्स, ये भी तुम लोग याद रख लो। क्या नाम है? फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि लास्ट में जो बनाते हैं, ठीक है, लास्ट में ये दो चीजें बनाते हैं। ठीक है, इनको जब हम बनाते हैं तो कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर। सबसे पहले हमें बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हमें बायफ्रिकेट करना आना चाहिए। तो तभी मैं बोल रहा हूँ वो वाली लेक्चर देख लेना, अकाउंटिंग कंसेप्ट वाली, वहां पे मैंने ये समझा दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमें क्रैक्स पे बोलता हूँ, अगर नहीं आप अगर आपको पता है जो एसेट्स होते हैं, अगर आपने फर्नीचर परचेज कर दिया दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपका एसेट रहता है, वो आपका एसेट होता है, वो आपका खर्चा नहीं होता है। और अगर आपने स्टॉक परचेज कर दिया या आपने सैलरी दे दी या आपने रेंट दे दिया, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्रक्स क्या है, अगर किसी खर्चे का फायदा, अगर किसी एक्सपेंसेस का फायदा ग्रेटर देन वन ईयर है, तो कायदे से वो क्या जाना चाहिए, उसका खर्चा भी एक ही साल में नहीं जाना चाहिए, वो एक साल से ज्यादा करे तो उसको मैं कैपिटलाइज करता हूं, उसको मैं एसेट दिखाता हूं। और अगर किसी खर्चे का फायदा उसी साल के लिए है तो उसी साल का खर्चा जाना चाहिए, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लेस देन वन ईयर। जैसे सैलरी मैंने अप्रैल की दे दी, तो अप्रैल का खर्चा है तो अप्रैल के उसी पीरियड में जाना चाहिए। तो अगर मैं ये पीरियड लेता हूं यहां पे, अगर मैं यहां पे पीरियड लेता हूं, एक अप्रैल 2019, 31/3/2020, अगर मैं यहां पे खर्चा कर रहा हूं, सपोज मैं रेंट दे रहा हूं, इस मंथ की रेंट दे रहा हूं, तो अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, मुझे फाइनेंस स्टेटमेंट बनाना है, तो रेंट का खर्चा किस में जाना चाहिए, इस साल में जाना चाहिए? सर इस साल की जब मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालूंगा इसी साल में वो खर्चा जाना चाहिए, हाँ सर। तो इस खर्चे को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, तो उसको एक्सपेंस मानना है। सपोज यहां पर मैं फर्नीचर लेता हूं, जो फर्नीचर 5 साल के लिए चलेगा, तो इस फर्नीचर का फायदा मैं कितने साल ले सकता हूं, 5 साल, तो ये सर एक ही साल में नहीं जाना चाहिए खर्चा। अगर इसी साल में खर्चा जाएगा तो हमारा प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा, हमने एक खर्चा कर दिया जिसका फायदा मुझे 5 साल के लिए आना चाहिए, तो इसका खर्चा जो है 5 साल के लिए जाना चाहिए, तभी मैं क्या करता हूं, इसको एसेट ट्रीट करता हूं, तभी मैं इसको क्या करता हूं, एसेट ट्रीट करता हूं, और इसको मैं एक्सपेंस नहीं मानता। फिर बोलोगे सर इसका खर्चा कब जाएगा, इसका खर्चा एक ही साल में नहीं जाएगा, इसका खर्चा 5 सालों में जाएगा। 5 साल के लिए फायदा है तो 5 साल के, सपोज इसका वैल्यू 1 लाख रुपए है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा 5 साल तक चलेगा, तो इसका 20,000 रुपया खर्चा जाएगा हर साल, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है, इस तरीके से खर्चा जाएगा। ठीक है, बट सबसे पहले क्या करूंगा मैं इसको, कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका फायदा एक ही साल के लिए नहीं जाएगा, मैं इसको क्या करता हूँ, एज ए एसेट मानता हूँ बुक्स में। फिर साल के बाद यहां मैं बोलता हूँ इसका वैल्यू 1 लाख है, उसमें से मैं लेस करता हूँ 20,000, तो इसकी वैल्यू बचेगी 80,000। ये 80,000 जो है ये बैलेंस शीट में जाएगा, और ये 20,000 जो है प्रॉफिट लॉस में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पे तुम लोगों का ये डाउट हो सकता था कि सर हम तो ये खर्चा तो कर ही रहे हैं, फिर इसको प्रॉफिट लॉस में क्यों नहीं ले रहे। मैं बोलूंगा इसको प्रॉफिट लॉस में लेंगे, बट क्योंकि इसका फायदा 1 साल से ज्यादा है तो ये हर साल में जाएगा, जिस साल में जितना फायदा उस साल में उतना जाएगा, तो हम बोलेंगे फायदा इक्वली है, 5 साल तक चलेगा तो हर साल 20,000 का खर्चा जाएगा। ये जो हमने 20,000 का खर्चा करते हैं इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में भी अलग से एक लेक्चर में रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि डायरेक्टली तो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट बहुत रिलेवेंस है इसका, ये समझ लें, क्योंकि हम जो एसेट्स बना रहे हैं उनका खर्चा कब जाएगा, क्योंकि वो भी तो खर्चा ही है ना, वो भी तो खर्चा है, तो उनका खर्चा कब जाएगा उसके लिए मैं डेप्रिसिएशन बोलता हूं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें पता होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फायदा उसी साल में है, उसी साल का, सैलरी तूने मंथ में दी, उसने एक मंथ का काम किया, मजदूर का काम कर दिया उस पीरियड में, तो उसी पीरियड में खर्चा जाना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना है और करेक्ट पोजिशन निकालनी है। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, जितना भी रेवेन्यू उस पीरियड का वो उसी पीरियड में जाना चाहिए, जितना भी खर्चा उस पीरियड का वो उसी पीरियड में जाना चाहिए। तो एक्सपेंसिस और रेवेन्यू को हमें मैच करना होता है, जिसका दूसरा नाम होता है मैचिंग कंसेप्ट। क्या है ये, मैंने उसमें डिस्कस कर दिया है अकाउंटिंग कंसेप्ट में, वहां पढ़ लेना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है,
रेवेन्यू जो तुम लोगे इसी पीरियड का लोगे। जब तुम अकाउंटिंग फाइनेंस स्टेटमेंट बनाते हैं, एक पीरियड के फाइनेंस स्टेटमेंट बनाते हैं, तो रेवेन्यू जो तुम्हें इस पीरियड का है वो इसी पीरियड में लेना है। अगर 31 मार्च को सेल कर दी है तो 31 मार्च वाला जो पीरियड है इसी में आना चाहिए। अगर 1 अप्रैल को सेल कर दी है वो अगले साल में आना चाहिए, इस साल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ डेट होगा यहां तक जितना भी रेवेन्यू होगा इस पीरियड का वो इसी में आना चाहिए, इसके बाद जो रेवेन्यू होगा वो अगले पीरियड में आना चाहिए। यहां पे अगर तुमने कोई खर्चा कर दिया है और इस पीरियड का है तो इसी पीरियड में आना चाहिए। अगर तुमने यहां पे कोई सर्विस ले ली है बट उसका पेमेंट अभी नहीं किया है, सपोज ये मंथ का मेरा लेबर था, मेरा एम्प्लॉई था, उसको सैलरी देनी है इस मंथ की, उस मंथ काम कर दिया, तो कायदे से क्या हुआ, इस साल के रेवेन्यू कमाने के लिए उसका सर्विस यूज किया, बट उसको सैलरी मैं अगले महीने की 7 तारीख को देता हूं, तो अगले महीने की 7 तारीख जो मैं खर्चा जो उसको पे करूंगा वो खर्चा मैं इस साल का मानूंगा कि इस साल का मानूंगा, पेमेंट तो अगले साल करूंगा? नहीं सर, पेमेंट अगले साल करूंगा उसमें कोई बात नहीं है, हम एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, वो इसी साल का खर्चा है क्योंकि इस साल के रेवेन्यू कमाने के लिए उस सर्विस को यूज किया जाएगा, तो अगर मैंने वो पे नहीं किया है कोई बात नहीं है, तो तभी हम एक एडजस्टिंग एंट्री करते हैं, हम सैलरी का खर्चा डालते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। 31 मार्च को मैं सैलरी का खर्चा डालूंगा क्योंकि इस महीने उसने काम कर दिया, तो 7000 का मैं खर्चा डालूंगा, 7000 का एक्सपेंस इसी साल में डालूंगा, और सैलरी आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी हो जाएगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये एक लिंकेज भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, हमें करेक्ट अकाउंटिंग बनानी है ऑन द बेस ऑफ एक्रूअल। एक होता है एक्रूअल, दूसरा होता है कैश बेस्ड, एक एक्रूअल होता है दूसरा कैश बेस्ड होता है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री एक्रूअल बेसिस पे, उस पीरियड का प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम्स या एक्सपेंसेस एक्रू हुए होंगे तो वो आएगा, चाहे मिला हो या नहीं मिला हो उसको छोड़ देंगे। अगर तुम्हारे में बैंक में एफडी कर दे उसमें इंटरेस्ट है, अभी मिला नहीं है इंटरेस्ट बट एक्रू तो हो गया है ना, तो आप उसको इनकम मान लोगे, और सैलरी है अभी दी नहीं है बट सैलरी एक्रू हो गई है तो आप उसको खर्चा मानोगे, वो हमें मैचिंग कंसेप्ट बोलता है। ठीक है, तो एक ख्याल तुम्हें रखना है कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस का बाइफरकेशन करना है, और इस साल के जितने भी खर्चे हैं वो तुम्हें रिकॉग्नाइज करने हैं, चाहे पे किए होंगे या नहीं किए होंगे। अगर नहीं पे किए तो उनकी अकाउंटिंग एंट्री करोगे एक स्कीम को जिसको हम एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं, तो सैलरी होगी वो सैलरी का इसी में जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डेप्रिसिएशन, जो एसेट जो इस साल यूज कर दिए उनका प्रपोर्शनेट खर्चा, जो एसेट अब क्रैक्स में बोल रहा हूँ, एसेट्स तुमने इतने परचेस कर दिए और तुमने किसी को खर्चा नहीं माना, बट सर ये भी तो हमारा आउटफ्लो है, इसका खर्चा हम क्या करते हैं उसको हम एसेट मानते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड बोलते हैं इस साल के लिए कितना खर्चा है, उसकी यूजफुल लाइफ देखते हैं। डेप्रिसिएशन है वो मैं अलग से बोल दूंगा, पूरा एक लेक्चर उसके लिए करूंगा, तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर इसमें डालते हैं। तो इस तरीके से वो जो 5 लाख का खर्चा किया था तो वो हर साल में थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो वो खर्चा भी यूज हो जाएगा और हमारा करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो दूसरा क्या रखना है, इस साल के जितने भी खर्चे, इस साल की जितने भी इनकम्स है वो तुमने यहाँ पे इसी साल में लेना है, तो उनकी अकाउंटिंग तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुमने अभी तक नहीं की है। ठीक है, उसके बाद क्या है, और कुछ चीजें जिनका तुम्हें ख्याल रखना है, पर्सनल और बिजनेस इनकम को अलग अलग करना है। पर्सनल और बिजनेस, हमने सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसने हमने पढ़ा ये चीज, बिजनेस अलग है, बिजनेस में अलग है। हमें खर्चे किसी रिकॉर्डिंग किसी करनी है, बिजनेस की करनी है, अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की, हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, तो बिजनेस के खर्चे अलग है, बिजनेस की इनकम अलग है, प्रॉपरेटर का खर्चा अलग है, प्रॉपरेटर की इनकम अलग है। उसी सूरत में अगर क्या होता है, अगर वो बंदा बिजनेस में पैसे लाता है तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं, अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो हम उसकी ड्राइंग बोलते हैं। अगर किराने वाला है और वो बिजनेस से कुछ चीजें घर के लिए लेता है तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम परचेज नहीं बोलते हैं, परचेज को लेस करते हैं उस चीज में। अगर मालिक बिजनेस से गुड्स निकालेगा घर के लिए, अगर किसी के पास रेडीमेड गारमेंट्स और अपने बच्चे के लिए पैंट निकाली वहां पे, तो तुमने जब पैंट लाई थी तुमने क्या बोला था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और आज मालिक वही गुड्स निकाल रहा है तो तुम एंट्री क्या करोगे, परचेज को कम करोगे, क्योंकि वो परचेज है ही नहीं, अब तुम परचेज करोगे और मालिक को डेबिट करोगे, या तो मालिक की कैपिटल को डेबिट करोगे, या अगर तुमने ड्रॉइंग अकाउंट रखा है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज करेंगे। ठीक है, अगर उसने चैरिटी दे दी, बिजनेस बोलेगा मैं चैरिटी करने के लिए नहीं आई हूँ, मेरा काम है प्रॉफिट कमाना, तुमने चैरिटी दे दी तो हम बोलेंगे ये तुमने अपने कैपिटल से दे दिया, तो हम बोलेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो बिजनेस का खर्चा
और बंदे का खर्चा अलग है। अगर उसने उसको अपना टैक्स देना है और उसने बिजनेस से दे दिया, तो हम नहीं बोलेंगे बिजनेस का टैक्स है, बिजनेस को तो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स उस बंदे को लगेगा, तो वो उसकी ड्रॉइंग मानी जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहली चीज़ है बिजनेस का और इनका इंसान का खर्चा अलग करना है ओनर का। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बोल दिया तुम लोगों को, और जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो हमें दिखानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि करेक्ट लोगों को पता चल जाए, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होता है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन किन को यूज आते हैं, जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हालांकि मैंने कवर नहीं कर दिया आपको नोट्स में, कोई जरूरत नहीं पड़े। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका कौन कौन यूजर होता है, एक होता है इसका ओनर, जो बिजनेस का ओनर होता है, दूसरा है जो इसको लोन देता है, बैंक लेंडर, गवर्नमेंट, क्योंकि उनको टैक्सेस लेने पड़ते हैं, और क्रेडिटर्स। तो ये होते हैं स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन दो तरीके हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल कौन है, एम्प्लॉयज। अगर आप कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आप देखोगे कंपनी कैसी, ऐसा नहीं कि ये दो साल बाद डूब जाएगी। एम्प्लॉयज होती है, मैनेजमेंट होती है, ओनर होते हैं, ये क्या होता है, शेयर होल्डर होते हैं, ये इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है, गवर्नमेंट है क्योंकि उसको टैक्स लेना है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, बैंक है क्योंकि उसको लोन देना है, वो देखेगा कैसी है, क्रेडिटर है, तो वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो यूजर्स को इन्फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो होगी, जो मेन इन्फॉर्मेशन होगी वो तुम्हें देनी पड़ेगी, उसको छुपाना नहीं है, और करंट पीरियड के ट्रांजेक्शन ही तुम्हें रिकॉर्ड करने हैं। अगर इस पीरियड का इनकम तुम्हें अभी मिल गया, अगर तुम्हें किसी ने बोला कि यार मुझे तुमसे ऑर्डर लूंगा बट अप्रैल में लूंगा, बट तू अभी एडवांस ले दे, तो तुम्हें वो सेल नहीं माननी है क्योंकि अभी सेल हुई नहीं है, टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो अगर उसने एडवांस दे दिया तो तुम उसको लायबिलिटी दिखाओगे बैलेंस शीट में, तुम उसे इनकम नहीं लोगे। अगर किसी ने बोला कि यार ठीक है मैं जैसे सर्विसेज देते हैं, सपोज मैं टीचर हूँ और मैं फी लेता हूँ बच्चों से, बच्चे ने बोला कि सर आप ले लो एडवांस में 5,000 रुपया, और मैंने उसको पढ़ाना अप्रैल में है, तो मैं अप्रैल में पढ़ाऊंगा तो मेरी अप्रैल की इनकम होनी चाहिए, बट उसने मुझे मार्च में ही दे दिया, तो मैं यहाँ पे वो एज एन एडवांस दिखाऊंगा बच्चे से, वो मैं एज ए इनकम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैंने सर्विसेज नहीं दी है, वो ख्याल रखना है। और रिलेशनशिप मैंने बता दिया है, जैसे एसेट मैंने पूरा एसेट दिखा दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, वो पीएनएल में जाएगा, बाकी 80,000 डेप्ट बैलेंस शीट में जाएगा। अगले साल क्या होगा, 20,000 प्लस पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट में 60,000 बचेगा। इसी तरीके से 5 साल बाद वो एसेट खत्म हो जाएगा। ये सैलरी वाला मैंने एग्जांपल बोल दिया, यहाँ पे मैंने ये चीजें बता दी है। और ये सारी चीजें जो होती है ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट होती है, ये एसेट मैंने 1 लाख का लाया और 1 लाख का फायदा मैं 5 साल में ले जाऊंगा, तो 5 साल के रेवेन्यू में मुझे फायदा मिलता है फर्नीचर का, तो खर्चा भी 5 साल में जाना चाहिए। तो रेवेन्यूज को एक्सपेंस के साथ मैच करते हैं, जो रेवेन्यू कमाने के लिए जो जो खर्चा हो गया उसको उसके उसी साल में डालते हैं जिस साल वो रेवेन्यू कमा दिया है, तो वो मैचिंग कंसेप्ट है, तभी हम डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो वो तो इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर खुदा ना खासा कभी आग लग गई, तो आग जिस पीरियड में लग गई वो उसी पीरियड में जाएगी नुकसान, उससे तो कोई फायदा नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, तो उसमें कोई रेवेन्यू वाला देखना नहीं है, वो जिस पीरियड में आग होगी उसी पीरियड में होगा। तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। अभी हमें पढ़ना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। मैं देखूंगा, मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट इस सिक्वेंस पढ़ाऊंगा, या कुछ दो छोटी चीजें हमें बची है, एक डेप्रिसिएशन जो अपेरेंटली आपके सिलेबस में नहीं है, बट मेरा फील आ रहा है कि हो सकता है उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, या क्वेश्चन नहीं भी पूछेंगे तब भी बच्चों को अकाउंटिंग समझने के लिए डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये दो है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, या तो मैं पहले डेप्रिसिएशन और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा और फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट, या मैं क्या करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट बताऊंगा, उसके बाद फिर इन दो चीजों के बारे में करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट, क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, हमने रिकॉर्डिंग सीख ली, हमने क्लासिफिकेशन सीखा, हमने समराइजेशन कर दिया आधा, तो समराइजेशन में फिर सिस्टमैटिक समराइजिंग करेंगे, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में डेप्रिसिएशन और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को टैकल करूंगा। हालांकि ये पहले आ जाते हैं, बट क्योंकि अभी उस हिसाब से मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद मैं पहले वही 3 लेक्चर्स बोलूंगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन और बैंक रिकंसिलिएशन, इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमें बचता है पार्टनरशिप का छोटा सा चीज, वो मैं 1 लेक्चर में कवर करूंगा, और फिर 2-3 एंसिलरी चीजें हैं, तो होपफुली बाई नेक्स्ट 10 डेज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, ठीक है।